हेमंत सोरेन के घर से कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। ईडी ने कई अहम दस्तावेज बरामद किए हैं। ईडी के अधिकारी दस्तावेज लेकर निकले हैं वहां से। हेमंत सोरेन के घर से दस्तावेज लेकर ईडी के अधिकारी बाहर आए हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, क्या ईडी की जो ये कार्रवाई थी ये पूरी हो गई हेमंत सोरेन की आवाज पर? और जो डॉक्यूमेंट्स की बात कही जा रही है, दस्तावेज की बात कही जा रही है कि अधिकारी दस्तावेज लेकर निकले हैं, वो कैसे दस्तावेज है, इस बारे में कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए सुबह तकरीबन 7 बजे ईडी की टीम हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित शांति निकेतन स्थित इसी 5/1 मकान पर पहुंची है, इसी बंगले पर पहुंची है। हालांकि सुबह से ईडी की जो टीम है वो अंदर डटी हुई है, लगातार जो लोग अंदर मौजूद हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा इस बंगले के अंदर से कई अहम दस्तावेज बताया जा रहा है कि वो जब्त किए गए, जिनको लेकर ईडी का एक अधिकारी इस वक्त यहां से निकल चुके हैं, जबकि बाकी कुछ ईडी के अधिकारी अभी भी अंदर मौजूद है। साथ ही खबर ये भी आ रही कि हेमंत सोरेन हालांकि अपने इस बंगले के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन अभी भी जो ईडी की सर्चिज है वो यहां पर चल रही है। इसके अलावा हेमंत सोरेन को इस पूरे मामले में जो जमीन घोटाला था, उस जमीन घोटाले को लेकर 9 बार पहले सम्मन किया जा चुका था। हाल ही में उनसे पूछताछ की गई 20 जनवरी को, और उसके बाद एक बार फिर 27 जनवरी को उन्हें आज के लिए सम्मन किया गया था। लेकिन जब हेमंत सोरेन नहीं पहुंचे तो उसके बाद ईडी की टीम दिल्ली स्थित उनके इस आवास पर पहुंची है, जहां उनसे पूछताछ करने की कोशिश की गई, लेकिन पता चला कि हेमंत सोरेन घर पर मौजूद नहीं है। ये जो घोटाला है, दरअसल ये सेना की जमीन से जुड़ा हुआ घोटाला है, जो कि झारखंड में सेना की जमीन थी। अभी तय हो गया कि हेमंत सोरेन से आज पूछताछ नहीं होगी, ईडी के अफसर आज भी पूछताछ नहीं कर पाएंगे हेमंत सोरेन से, ये साफ है अब? जी बिल्कुल, देखिए समीर, ईडी की टीम पहुंची थी पूछताछ करने के लिए, लेकिन जब हेमंत सोरेन घर पर मौजूद नहीं मिले तो उसके बाद लगातार ईडी की टीम जो अंदर मौजूद है, जो इस केस से जुड़े जितने भी दस्तावेज हो सकते हैं उन अहम दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। इसके अलावा जो उनका झारखंड के अंदर, रांची के अंदर जो उनका आवास है, वहां पर भी ईडी की एक टीम मौजूद है, उनके दफ्तर के अंदर मौजूद है। तो लगातार बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र शर्मा आपका भी, और हमारे साथ रूपेश कुमार भी पटना से जुड़े हुए थे, आपका भी शुक्रिया। नजर बनाकर रखिए, और हेमंत सोरेन से ईडी पूछताछ करने की कोशिश कर रही है, और इसे लेकर रांची में भी जबरदस्त हलचल है। रांची में मुख्य सचिव ने आपात बैठक बुलाई है, बैठक में एसएसपी, एसपी सिटी और आईजी मौजूद हैं, बैठक में कई दूसरे अधिकारी भी शामिल हुए हैं। और हेमंत सोरेन को ईडी के समन पर बोले हैं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव, जो कुछ भी हो रहा है इसके लिए मुख्यमंत्री स्वयं जिम्मेदार हैं। प्रतुल शाहदेव की तरफ से कहा गया शुरू से ही पूरी प्रक्रिया के साथ खेल रहे थे। ईडी ने तो मुख्यमंत्री जी को 10-10 समन इश्यू किए थे, 8वें समन में सिर्फ कुछ घंटे पूछताछ हुई, और मीडिया में आई रिपोर्टों के अनुसार उन्हें अधिकांश प्रश्नों के जवाब या तो याद ही नहीं थे या वो टालते दिखे। तो अब तो मुख्यमंत्री जी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन से भागते दिख रहे हैं, और वे पूरे चीज को राजनीतिक तुल दे रहे हैं, जबकि ये विशुद्ध रूप से करप्शन से जुड़ा हुआ मामला है। और आज दिल्ली में जो कुछ हो रहा है, ईडी मुख्यमंत्री से पूछताछ के लिए या ईडी मुख्यमंत्री के पास पहुंच गई है, इसके जवाब भी मुख्यमंत्री के पास ही, अगर उन्होंने शुरू से एजेंसी के साथ। और सूत्रों के हवाले से हेमंत सोरेन को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। हेमंत सोरेन दिल्ली स्थित अपने घर में मौजूद नहीं। ईडी की टीम सुबह 7 बजे से हेमंत सोरेन के घर में मौजूद है। ईडी ने जमीन घोटाले में भेजा था समन, लेकिन यहां पर हेमंत सोरेन मौजूद नहीं है। सुबह करीब 7 बजे से ईडी की टीम यहां घर पर मौजूद है, लेकिन हेमंत सोरेन यहां पर नहीं मिले, और हेमंत सोरेन को ईडी का समन भेजा गया है। लगातार ईडी के साथ पूछताछ इंटरोगेशन को ज्वाइन करने के लिए ये समन भेजे गए हैं, लेकिन हेमंत सोरेन आज जब ईडी की टीम उनके घर पर गई है तो वहां पर मौजूद नहीं है, दिल्ली स्थित अपने आवास पर मौजूद है।